ओके, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस 2024 के नए साल की शुरुआत होते ही हम सभी को दो दो नई सौगात मिल गई। हमारे राम की नगरी अयोध्या वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात और हमारे बिहार के वासियों को मिली अमृत भारत की सौगात। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन की सारी डिटेलिंग में आज बात करेंगे, क्या टिकट प्राइस है, कहाँ से कहाँ तक रन होने वाली है। अमृत भारत उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग वंदे भारत का अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज हम जानने वाले इस ट्रेन के बारे में, चलो कान में ईयरफोन लगा लो, शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। अभी मैं हूँ अयोध्या कैंट पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमारी जर्नी आज होने वाली है। तो देखो, आज तक आप लोगों ने वंदे भारत की इनॉग्रेशन देखा होगा, आपने मेरी काफी सारी वीडियो देखी होगी जो वंदे भारत में ट्रैवल होती है। तो एक तबके के लोग थे जो लोग वंदे भारत एक्सप्रेस की टिकट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमारे इंडियन रेलवे ने एक इनिशिएटिव लिया, उन लोगों के लिए भी एक ट्रेन बनाई जाए जो टिकट अफोर्ड कर सके। तो ये मेरे पीछे खड़ी है, वंदे साधारण बोलते हैं बट इसका ऑफिशियल नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। तो ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है, ये रन होने वाली है ऑफिशियल रन में दरभंगा से लेके न्यू दिल्ली के बीच में। लेकिन ये आज इनॉग्रेट हो रही है अयोध्या धाम के नए रेलवे स्टेशन से। ये हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस एंड हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं इसमें नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ अमृत भारत में, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वंदे भारत में। लेकिन मैं आप लोग को इस ट्रेन की फैसिलिटी बता देता हूँ, ये ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सीट अवेलेबल है। फटाफट आप लोगों को मैं क्विक व्यू देता हूँ इसका मैं। एंड ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है, ये पुश पुल टेक्नोलॉजी पे चलती है। इसके आगे साइड में भी लोकोमोटिव लगा है, पीछे साइड में भी लोकोमोटिव लगा है। इस ट्रेन में आप लोग को एसी के कोचेस नहीं मिलेंगे, इसमें खाली आपको जनरल एंड स्लीपर क्लास, और उसकी भी प्राइजेस काफी कम है। अब तक जितने भी लोग जनरल क्लास में धक्के खा के जाते थे, जनरल क्लास के कोचेस भी ज्यादा हैं एंड स्लीपर क्लास के। एंड ये जो ट्रेन है स्पेशली इस कैटेगरी के लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट करने वाली। गुड मॉर्निंग। तो ये आप देख सकते हैं जनरल कोच है, नॉर्मल कोच जैसा ही है बट थोड़ी सी चीजें अलग है। कुशन काफी अलग कलर का और अच्छा बेटर बनाया गया है। और यहाँ पे आप लोग को एक डिस्प्ले मिल जाएगा जहाँ पे कौन से स्टेशन आने वाले, क्या एमपीएच पे रन होने वाली है, सारी चीज आप लोग को मिलेगी। प्लस सीसीटीवी, यहाँ पे आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा। अब तक जनरल में आप देखते थे नीचे साइड में आप लोग कुशन मिल जाता था, बट अब जनरल में आप लोग को ऊपर भी कुशन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को चार्जिंग पॉइंट को कितने सारे दिए, दो चार्जिंग पॉइंट है, लाइट सॉकेट अलग से और चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे हैंगिंग करने के लिए मोबाइल होल्डर, इमरजेंसी ब्रेक दिया हुआ है। एकदम न्यू नवेली ट्रेन है अभी। ये आप लोग को जनरल कोच का व्यू है। यहाँ पे आप लोग को मिलेगा लाइक वॉश बेसिन एकदम न्यू का बना हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको। प्लस पानी वगैरह भी आ रहा है, यहाँ पे मिरर मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पे आपको डस्टबिन, जनरल का वॉशरूम दिखा देता हूँ, देखिए वॉशरूम मिल जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे भी एक क्लीन वॉश बेसिन रखा हुआ, बड़ा सा मिरर। यहाँ पे आपको फ्लश, जेट स्प्रे, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जेट स्प्रे आप लोग को जनरल में भी दिया हुआ। जनरल में देखो ये इंडियन स्टाइल है, और यहाँ पे आप लोग आएंगे यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा वेस्टर्न स्टाइल। तो जनरल में आपको दो टॉयलेट मिल जाएगा, इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न। यहाँ पे आप लोग को जेट स्प्रे एंड ऑल सारी फैसिलिटी आपको दी है, वॉश बेसिन, यहाँ पे बड़ा सा मिरर। तो ये बहुत अच्छा होगा जो कम पैसे में ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो ये कुछ फैसिलिटी है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस के जनरल कोच की, आप लोगों ने जैसे देखा। आगे आप लोगों को बताऊंगा कितने कोचेस हैं, स्लीपर के कितने कोचेस हैं। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को कोचेस के अंदर की फैसिलिटी बता देता हूँ कि क्या क्या है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्लीपर क्लास में क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है। ये हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस में नई नवी लगन फूलों से सजाया हुआ है। आज इनॉग्रेशन के लिए हमारी ट्रेन तैयार है, बस ये यहाँ से जाएगी अयोध्या धाम, जो नया रेलवे स्टेशन बना है जो इनॉग्रेट होने वाला है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो वहाँ पे जाके ये हरी झंडी दिखाई जाएगी। अभी सब यहाँ पे खड़ी है, अमृत भारत भी और वंदे भारत एक्सप्रेस भी, ये दोनों ट्रेन यहाँ से जाएगी अयोध्या धाम स्टेशन। तो ये मैं आ गया हूँ अमृत भारत एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वॉश बेसिन मिल जाता है, डिस्पेंसर मिल जाएगा यहाँ पे, और ये थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाया है कि आप लोगों को पानी के वेस्टेज ज्यादा ना हो, ठीक है। इसके नीचे आपको डस्टबिन मिल जाएगा, यहाँ पे भी एज वेल एज आप लोगों को डस्टबिन मिल जाएगा। और ये है बाथरूम, तो यहाँ पे आपको जेट स्प्रे सारी चीजें प्लस टॉयलेट भी है जो कम पानी यूज करके आप लोग को यूज होता है। छोटा सा वॉश बेसिन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को बड़ा सा मिरर। तो ये कुछ है इंडियन स्टाइल बाथरूम स्लीपर कोच का, ठीक है। एक चीज आप देखेंगे इस अमृत भारत एक्सप्रेस के ट्रेन में, जो वॉश बेसिन उसमें यहाँ पे कुछ बटन नहीं दिया हुआ, ये दबाना है आपको यहाँ पे पैर से और यहाँ पे पानी आना चालू। ये एक बहुत यूनिक, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप देखते थे जितने भी स्लीपर कोचेस है या जनरल क्लास के डब्बे, यहाँ पे काफी गैप होता था, काफी रिस्की होता था, लोग कैसे कैसे अपने बच्चे वगैरह लेके बैठते थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को बताया। लेकिन अब अमृत भारत में ये सारी चीजें चेंज हो गई, सेफ्टी के हिसाब से आप लोगों को पूरा कनेक्शन रखा है, यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को गैप नहीं दिखाई देगा जैसे आप ये देख सकते हैं। ये चीज मैं चाहता था कि ट्रेन में हो, कि सेफ्टी के लिए कुछ बनाया जाए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया कि लोग कैसे कैसे मजबूर होकर लेके बैठते हैं, लेकिन अब वो चीजें सॉर्टेड आउट हो गई। तो ये है हमारा स्लीपर कोच। स्लीपर कोच देखो नॉर्मल ट्रेन जैसा ही स्लीपर कोच है, 3x3 का आपको स्लीपर अरेंजमेंट मिल जाएगा, आप लोगों को तीन लोग बैठ सकते हैं एक साइड, यहाँ पे तीन लोग, और कुशन थोड़ा कलर अलग किया हुआ है। एंड
कुशन बेटर टीवीएस ट्रेनों में मिलता था यहाँ पे रखने के लिए, तो यहाँ पे भी दिया हुआ। यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग है नॉर्मल ट्रेनों से, यहाँ पे अलग से आपको चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, मोबाइल होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिया हुआ है। तो ये नॉर्मल स्लीपर कोच से ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई जो कि हर सीट वालों के दिया हुआ है। यहाँ पे जो लोअर है उनके लिए स्पेशल यहाँ पे है, जो मिडल है मिडल वालों के लिए, और जो अपर है अपर वालों के लिए फैसिलिटीज दी गई। लाइक यहाँ पे आप लोग को बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाए। मैंने कितनी स्लीपर ट्रेनों में ट्रैवल किया है, जो साइड अपर होते हैं उनको चार्जिंग पॉइंट वगैरह मिलता नहीं, उनको नीचे से करना पड़ता राइट, अब लेकिन साइड अपर वालों को भी मिल गया है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको फोन होल्डर, यहाँ पे बॉटल होल्डर, ये एक बहुत बेटर फैसिलिटी की गई है। आप देख सकते हैं इसको कैसे ऑपरेट करना है। खाली इतना ही कि इतनी फैसिलिटीज दी गई है, ट्रेन अच्छे से नई नवेली सजाई गई, तो इसको मेंटेन रखना आपका काम है। यहाँ पे ये कुछ फैसिलिटीज मिलती है नॉर्मली है, बट थोड़ी चीजें आपको चेंज की गई है नॉर्मल ट्रेन से। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न स्टाइल, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन, सेम यहाँ पे भी आपको पैर से बटन दबाएंगे तो यहाँ पे पानी आएगा, प्लस यहाँ पे मिरर मिल जाएगा आप लोग को, प्लस अगर कोई हैंडीकैप है तो पकड़ के भी बैठ सकते हैं, तो हैंडीकैप के लिए भी काफी सुविधा इसमें की गई है। अपने व्हील चेयर के साथ में आ सकते, थोड़ा स्पेशियस बनाया हुआ है, तो ये आपको अगर कोई व्हील चेयर पे है तो उनके लिए भी वॉशरूम वेस्टर्न स्टाइल में मिल जाएगा। इस अमृत भारत एक्सप्रेस में स्लीपर के आपको 12 कोचेस मिलेंगे एंड जनरल क्लास के आपको 8 कोचेस मिलेंगे, बाकी 2 SLR के कोचेस मिलेंगे। टोटल 22 कोचों की ये ट्रेन है, जिसमें आपको अब तक जनरल के 1 या 2 आप लोगों को कोचेस मिलते थे हर ट्रेनों में, लेकिन स्पेशली आप लोगों के लिए ये ट्रेन आ चुकी है, जिसमें स्लीपर और जनरल के कोचेस आप लोगों को ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से कम प्राइस में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको क्राउड वगैरह का दिक्कत अब नहीं होगा। ये हमारी भगवा कलर की न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस। गेट पे खड़े हैं, ले रहे हैं, तुम कहाँ पे हो? तो ये हमारी ट्रेन अयोध्या कैंट से निकल के अब जा रही है अयोध्या धाम, जो नया रेलवे स्टेशन है वहाँ से इनॉग्रेट होने वाली है। तो हमको जाना था एक्चुअली वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पहले ही निकल गई, हमारी ट्रेन मिस हो गई, तो हम ये अमृत भारत में चले। तो ये हमारी नई नवेली अमृत भारत एक्सप्रेस, जो आप देख सकते हैं। तो नाउ अब हम आगे फाइनली वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ही टाइम में फ्लैग ऑफ दिखाया जाएगा अन्य प्रधानमंत्री के द्वारा। आप लोग को बता दूं अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में, अगर आप लोग अमृत भारत में ट्रैवल करना चाहते हो, ये चलने वाली है दरभंगा टू आनंद विहार, आनंद विहार टू दरभंगा। 5 जनवरी का इसका ऑफिशियली कमर्शियल रन स्टार्ट होने वाला। अगर आप लोग टिकट बुक करना चाहते हो, टिकट ओपन हो गई, आप लोग जाकर टिकट बुक कर सकते हो आनंद विहार टर्मिनल से लेके दरभंगा तक। इसका जो स्लीपर क्लास का टिकट प्राइस होगा 600 रुपए में आनंद विहार टर्मिनल से लेके दरभंगा तक। आप लोग को ये हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आप लोग को पहुंचा, इस अमृत भारत एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर की तो 1558 इसका ट्रेन नंबर होगा। ये हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस ये चलेगी 3:10 पे आनंद विहार टर्मिनल से, एंड ये आप लोग को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंचाएगी 11:50 पे दरभंगा स्टेशन। आनंद विहार टर्मिनल से लेके दरभंगा तक टोटल 17 हॉल्ट्स लेके ट्रेन रन होने वाली है, तो 17 हॉल्ट्स में काफी सारे स्टेशन आएंगे लाइक लखनऊ अयोध्या वगैरह। अगर आप लोग ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस की भी जर्नी करना चाहते तो भी आप ये ट्रेन ले सकते हैं। एसी के कोचेस नहीं है, स्लीपर और जनरल क्लास के ही है, तो अब आप लोगों पर डिपेंड है आपको कौन से कोचेस में ट्रैवल करना है। फाइनली अमृत भारत को अभी फ्लैग ऑफ किया गया है, तो ये डिपार्ट हो रही है और हमारी ट्रेन भी अभी डिपार्ट होने के रेडी है। वो भी डिपार्ट हो गई ना? ये क्या जा रही है? सो ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये बेसिकली इनॉग्रेट हो रही है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से, बट ये जो चलेगी दरभंगा से लेके आनंद विहार टर्मिनल के लिए। तो ये हमारी अमृत भारत निकल चुकी है अपनी जर्नी के लिए।